हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्थफुल लाइफ हिंदी पे। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और डिटेल्स में रिव्यू करेंगे इस पतंजलि दिव्य चंद्र प्रभा वटिका, जानेंगे इसके प्राइस कंपोजिशन, यूजेस बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट्स और सावधानियाँ के बारे में। आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि हम जैसे ही कोई नए वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपके पास पहुंच सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है दिव्य चंद्र प्रभा पट्टी। इसका प्राइस फ़िलहाल के लिए 43 रुपीज़ है 40 टेबलेट के पैक के लिए। इसमें कपूर, बाचा, चिरैता, देवदारू हल्दी, दारू हल्दी, निशोध, इलायची, अमलोकी, सेंधा नमक, बीट नमक, शिलाजीत, लोह भस्म, शुद्ध गुगलू, त्रिफला, मरीच, सौंठ जैसे और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां डाले गए हैं। ये आपको पतंजलि के किसी भी स्टोर में या फिर ऑनलाइन में भी इजीली मिल जाएगा। ये पतंजलि का एक बहुत ही इफेक्टिव टेस्टेड मेडिसिन है। चंद्र प्रभा वटी एक चमत्कारी रामबाण आयुर्वेदिक दवा है। यूरिनरी ट्रैक डिजॉर्डर, UTI के लिए, मूत्र विकार के लिए, ये ब्लैडर रिलेटेड इशू के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यूरिन करते वक्त होने वाले जलन, इचिंग में ये बहुत ही यूजफुल पाया गया है। चंद्र का मतलब है चांद और प्रभा का मतलब है खूबसूरती। चंद्र प्रभा का मतलब है चांद जैसी खूबसूरती। बहुत सारे दूसरे कंपनी भी, दूसरे ब्रांड भी इस चंद्र प्रभा पट्टी को बनाते हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। चंद्र प्रभा पट्टी को जॉइंट्स पेन में, मसल पेन में, वीकनेस में, कमजोरी में भी यूज किया जा सकता है। ये किडनी के लिए भी फायदा करता है, ये ब्लड को, खून को साफ करने में मदद करता है। हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है, ये मल्टी विटामिन्स का एक नेचुरल सोर्स भी होता है। बस इसको सही तरीके से यूज करना जरूरी होता है, वरना आपको इसके पूरे फायदे नहीं मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए बिल्कुल सही जानकारी के लिए। ये रूप और रंग को निखार कर सुंदर भी बनाता है। इस चंद्र प्रभा पट्टी को आप अपने डॉक्टर की सलाह से और अपने प्रॉब्लम के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसको ओवरडोज में सेवन ना करें। इसका 1 से लेकर 2 टेबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के 30 मिनट के बाद लिया जा सकता है, पानी के साथ या फिर दूध के साथ। आप अपने डॉक्टर की सलाह से भी इसको यूज कर सकते हैं। कोई दूसरी बीमारी है आपको तो इसको डॉक्टर की सलाह के बिना यूज ना करें। प्रेग्नेंट वोमेन, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को इसको डॉक्टर की सलाह के बिना यूज नहीं करना चाहिए। वैसे तो इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी अगर आपको कोई साइड इफेक्ट नज़र आता है तो डॉक्टर से बात करना चाहिए। इस मेडिसिन का आपको कितना फ़ायदा हुआ है कृपया हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फायदेमंद हुआ है। तो फिर इस वीडियो को लाइक शेयर करें, कोई सवाल हो तो हमें कॉमेंट करें, हमें सपोर्ट करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, हमें मोटिवेट करें, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ रहिए, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दमदार वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।